A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain MPS English question paper of 2017. And it is set 22 that I'm going to explain. So, let's get started. Question number one is, elderly people can have a normal body temperature below 91.6. So, the younger population can have a little higher temperature. आप इस सेंटेंस के अंतर्गत elderly people और younger population के बीच comparison को देख रहे हैं. जब दो लोगों दो चीज़ों के बीच हम comparison को व्यक्त करते हैं तब conjunction के रूप में so का नहीं, whereas या while का प्रयोग contrast को व्यक्त करने के लिए करते हैं. दोनों में विपरीतता है. जबकि के अर्थ में हमें यहाँ जरूरत है वेयर एज या वाइल की. क्वेश्चन नंबर टू, वी आर एट द क्रिटिकल जंक्चर. जंक्चर मीन्स होता है मोड. वी आर एट द क्रिटिकल जंक्चर व्हेन वी आर फेसिंग अ सीरियस इश्यू विद the image perception of the railways. यह question अपने आप में एक important word critical रखे हुए है और मैं चाहूंगा कि आप लोग critical का synonym जल्दी से comment कर दें. We are at that critical juncture. हम अब हिंदी बोलूंगा तो आप comment जल्दी कर लेंगे. जल्दी करिए comment पर. उस juncture पर हैं हम जहां juncture एक प्लेस है, एक पोजीशन है. प्लेस या पोजीशन के लिए एडवर्ब के रूप में हमें वेयर की जरूरत होती है. जब टाइम की हम चर्चा करते हैं तब व्हेन का, कॉज या रीजन के लिए हम व्हाई का प्रयोग करते हैं, मैनर के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं. यहाँ जंक्चर है इसलिए व्हेन नहीं होगा, वेयर होगा. क्रिटिकल मीन्स नाजुक होता है. क्रिटिकल मीन्स दयनीय होता है. इसका सिनोनिम मिजरेबल और पिटिएबल होता है. आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग. पिलर में क्वेश्चन टैग दिया है. हर चीज ब्राइट है और ब्यूटीफुल है. एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, जितने नथिंग वाले अंग्रेजी में शब्द हैं, जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो थिंग वाले, जितने भी थिंग वाले शब्द हैं इनके बदले हम इट का प्रयोग करते हैं. तो इजंट इट होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब इज है. इजंट इट. आंसर थ्री का बी. क्वेश्चन नंबर फोर, दे आर टेरिबली बिजी विद डैश वर्क. आपको डिटर्मिना फील करना है. सब्जेक्ट दे है और डिटर्मिना के रूप में हिज, देयर, देम और हर है. दे के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे देयर का. क्वेश्चन नंबर फाइव, लीन का सिनोनिम बताना है आप. लीन शब्द है. लीन मीन्स होता है दुबला. आप इसे दुबला पतला भी कह सकते हैं. दुबला पतला, लीन. ऐसे लीन एंड थीन भी यूज किया जाता है एम्फैटिक सेंस. बहुत दुबला, लीन एंड थीन. फैट मोटा आप जानते हैं, थीन दुबला पतला. ओबेस मीन्स मोटा. कोंदिल जिसे कहें, जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ हो. प्लम मीन्स भी मोटा होता है, जिसका शरीर थुलथुल हो, जिसके शरीर पर मांस ही मांस दिखे उसके लिए हम प्लम्प का यूज करते हैं. फलों के गुदा के लिए भी हम प्लम्प का यूज करते हैं. फाइव का आंसर भी होगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने, लर्क. इसका बताना है आपको सिनोनिम. ए में इग्नोर है, बी में रश है, सी में कम है और डी में स्नीक है. लर्क, दुबकना या घात लगाना. घात लगाना
इग्नोर, उपेक्षा करना, इग्नोर का सिनोनिम आप लोग कमेंट कर दें, इग्नोर का आप जल्दी से सिनोनिम कमेंट कर दें, रश, भीड़ और रस, तेजी से जाना, जब रस तेजी से जाना के अर्थ में यूज होता है तो अपने बाद टू प्रेपोजिशन हमेशा लेता है, कम आना और स्नीक हाथ लगाना, स्नीक अटैक आप सुने होंगे, घात लगाकर किया गया हमला स्नीक अटैक कहलाता है, तो लर्क का सिनोनिम स्नीक होगा। इग्नोर के लिए हम नेगलेक्ट का यूज करते हैं और ओवर लुक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, शब्द है ग्रोन, ग्रोन का अर्थ होता है कराहना, यह वर्ब है, ग्रोन मीन्स कराहना, ग्रम्बल, गुर्राना, ऐसे सुअर की आवाज को हम ग्रम्बल कहते हैं और ग्रम्बल मीन्स कराहना भी होता है, गुस्से में भी बोलने के लिए ग्रम्बल का यूज किया जाता है। अग्रीमेंट, सहमति, अग्री से यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। लाइकिंग, पसंद, लाइकिंग का सिनोनिम जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें, लाइकिंग का सिनोनिम आप जल्दी से कमेंट कर दें। रिगार्ड मीन्स होता है आदर, इसका सिनोनिम रेस्पेक्ट होगा और रेवरेंस होगा, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, रेवरेंस मीन्स आदर या सम्मान होता है, ऐसे रिगार्ड और रेस्पेक्ट से ज़्यादा सम्मान को रेवरेंस व्यक्त करता है। लाइकिंग का एग्जैक्ट सिनोनिम पेंचंत होता है। ग्रोन के लिए हम ग्रम्बल सेलेक्ट करेंगे, यानी 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8-10 में अपोजिट वर्ड आपको बताना है। शब्द आपके सामने है लेथार्जिक, ए में लेजी, बी में स्लगिश, सी में लाइवली और डी में डल। लेथार्जिक मीन्स होता है शिथिल, लेथार्जिक मीन्स होता है आलसी, शिथिल या आलसी, तो लेथार्जिक का सिनोनिम होता है स्लगिश, तो लेजी, ये सभी सिनोनिम है। लाइवली मीन्स होता है जीवंत, लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी यानी लाइवली, जीवंत, जिंदा दिल, तो आंसर 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। ए में है डिफेंड, सॉरी वर्ड है डिफेंड, ए में अपहोल्ड, बी में सरेंडर, सी में सिक्योर और डी में रेसिस्ट। डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना, डिफेंड मीन्स बचाना, अपहोल्ड रोक देना, सरेंडर समर्पण करना, समर्पण करना, सिक्योर नाउन और सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ सुरक्षित होता है, वर्ब के रूप में प्राप्त करना सिक्योर मीन्स होता है। रेसिस्ट प्रतिरोध करना, डिफेंड करने के लिए हमें रेसिस्ट करना पड़ता है, यानी सिनोनिम हो जाएगा डिफेंड का रेसिस्ट, यहाँ पर सरेंडर होगा एंटोनिम। डिफेंड करना मतलब बचाना, रक्षा करना, सरेंडर कर जाना, समर्पण कर देना। 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कमांड, कमांड मीन्स आदेश होता है, कमांड मीन्स नियंत्रण होता है, कमांड मीन्स पकड़ होता है,
कमांड मीन्स नेतृत्व होता है। आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं उसका अंग्रेजी पर कमांड है, उसका उसके बेटे के ऊपर कमांड नहीं है। मैं इस संस्था का कमांड अपने हाथों में रखता हूँ, यानी मैं नेतृत्व इसका खुद करता हूँ। अपोजिशन, विपक्ष, विरोध, कॉल, नाउन के रूप में पुकार, वर्ब के रूप में पुकारना। खैर यहाँ नीचे वर्ब भी दिख रहा है तो मैं पुकारना लिख लूंगा। डिक्टेट, आदेश देना। डिक्टेट में बोलकर लिखवाना भी होता है। नोटिफिकेशन, सूचना। तो कमांड का एंटोनिम क्या दें? हम अपोजिशन देंगे। कमांड यानी नेतृत्व, नियंत्रण। अपोजिशन यानी विरोध, विपक्ष। तो 10 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में इडियम है आपके सामने। 11 नंबर में है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का अर्थ होता है अपनी ख्याति से संतुष्ट होना, यानी अपने जीवन में इतना कुछ अचीव कर लेना कि अब आगे कुछ और अचीव करने के प्रयास को छोड़ देना। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स होता है। अपनी ख्याति से संतुष्ट होना, अपनी ख्याति से संतुष्ट होना। To retire from active life, to remember things clearly, not to come to point, defend from enemies. एक भी exact answer नहीं है। इसका answer होता to be satisfied with one's achievements, but यहाँ नहीं दिया गया है। तो कुछ हद तक यह match कर रहा है, थोड़ा थोड़ा 50% कह सकते हैं यह match कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम ए सेलेक्ट तो कर लेंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। टू बी सेटिस्फाइड विद वंस अचीवमेंट का मतलब होता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। तो आंसर ए मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, फॉल आउट। अब इस शब्द के लिखने के स्टाइल से मीनिंग बदल जाता है। फॉल आउट ऐसे लिखने पर इसका अर्थ होता है आक्रमण। फॉल आउट फ्रेजल वर्ब के रूप में लड़ाई करना, झगड़ा करना, अटैक करना। ये तो एक साथ लिखा गया है तो अटैक होना चाहिए। अटैक ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। खैर हम डी सेलेक्ट कर लेंगे। एक शब्द यहां दिख रहा है डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना। इसका सिनोनिम अनाउंस होता है। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस और प्रोक्लेम। अनाउंस और प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन है द मेन, ब्रैकेट के अंदर है, कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज inadequate ability, growth and character development. देखिए यहाँ है टाइपिंग मिस्टेक। inadequate ability के बाद कॉमा होना चाहिए, growth and character। यहाँ भी मिस्टेक है। अब एंड यहाँ क्यों लगा दिया गया? character के बाद होना चाहिए। खैर छोड़ें, bracketed part को इम्प्रूव करिए। The main causes, subject है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। इज के जगह पर आर का यूज करेंगे। द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर। आंसर सी होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अगला क्वेश्चन है ईट दे डिडंट। ईट तो होगा ही नहीं, यह ईफ है, आप इसे ईफ माने।
इफ दे डिडंट नो देयर एबिलिटी, डिडंट नो देयर एबिलिटी ब्रैकेटेड है, इसे इंप्रूव करना है. एंड दे डू नॉट नो व्हिच स्पोर्ट दे वांट टू डू, दे विल नॉट लर्न टू प्ले एनी स्पोर्ट्स एंड विल नॉट सक्सीड. ध्यान दें, दे विल फ्यूचर टेंस का प्रयोग, फिर विल नॉट सक्सीड फ्यूचर टेंस का प्रयोग, दे डू सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, दे वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग. यानी यहाँ पर जो पास्ट टेंस यूज हो रहा है यह गलत है. इफ दे डोंट नो देयर एबिलिटी, इफ दे डोंट नो देयर एबिलिटी एंड दे डोंट नो व्हिच स्पोर्ट दे वांट टू डू, दे विल नॉट लर्न. यानी इफ वाला पार्ट प्रेजेंट में और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर में, तो आंसर हो जाएगा डोंट नो देयर एबिलिटी, आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 15, आर्ट और क्राफ्ट मेकिंग स्किल विद हैंड. आर्ट और क्राफ्ट मेकिंग स्किल विद हैंड, हाथ से किसी चीज को बनाने की कला को क्या कहते हैं? होवर क्राफ्ट वह नाव है जो जल और स्थल दोनों पर चले, जो जल पर भी चले और स्थल पर भी चले, उसे हम होवर क्राफ्ट कहते हैं. हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है हस्तकला. हैंडीक्राफ्ट हस्तकला, स्टेट क्राफ्ट शासन कला, कैसे स्टेट के अफेयर्स को मैनेज किया जाए, चीजों को कैसे अरेंज करके सत्ता चलाई जाए, इस कला को स्टेट क्राफ्ट कहते हैं. स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान, स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान, नेक्स्ट. हाँ, तो आंसर होगा हैंडीक्राफ्ट. नेक्स्ट, इनसफिशियंट फीलिंग और नॉरिशिंग. इनसफिशियंट इन एडेक्वेट का सिनोनिम होता है. इनसफिशियंट फीडिंग, फीड मींस होता है भोजन कराना. इनसफिशियंट फीडिंग का मतलब अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त नॉरिशिंग, डाइट की कमी को क्या कहते हैं? एबडक्शन मीन्स अपहरण होता है और इसका सिनोनिम होता है किडनैपिंग. किडनैपिंग, एबोलिशन उन्मूलन. आप सभी लोग एबोलिशन का सिनोनिम जल्दी से लिख दें जो हमारे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं. एबोलिशन का सिनोनिम जल्दी से लिख दें. बहुत बार पहले के क्लासेस में बता चुका हूँ. एडिक्शन नशा, इसे हम लत भी कहते हैं. मैल न्यूट्रिशन कुपोषण. तो इनसफिशियंट फीडिंग और नॉरिशिंग को हम मैल न्यूट्रिशन ही कहते हैं. एबोलिशन उन्मूलन, इरेडिकेशन उन्मूलन, अपरूटिंग उन्मूलन, और इनका एंटोनिम होता है एस्टैब्लिशमेंट. इन सबका एंटोनिम होता है एस्टैब्लिशमेंट. 16 का आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चूज करें. डेफिशिएंट मींस कमी होता है. डेफिशिएंट आंसर होगा सी, डेफिशिएंट कमी अभाव.
एफिशिएंट का एंटोनिम होता है डेफिशिएंट। 18 में शब्द है चैलेंज, चैलेंज का हमें बताना है स्पेलिंग, तो आंसर डी होगा, चैलेंज में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आपको अरेंज करना है। हिज विजन हार्डली रिलेटेड टू एंड गोल्स वर द रियलिटी अराउंड हिम। हिज विजन में विजन नाउन है, सब्जेक्ट का पार्ट है, कुछ और अगर इसका पार्ट है तो एक साथ कर लें, अन्यथा वर्ब का प्रयोग करें। तो देख रहे हैं वर्ब यहाँ है, यानी यहीं से शुरू करें। हिज विजन एंड गोल्स वर हार्डली रिलेटेड टू द रियलिटी अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द जो वास्तविकता थी उससे उसका विजन और उसके गोल शायद ही कनेक्ट थे, शायद ही रिलेटेड थे। तो QPR आंसर होगा, QPR बी में है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, पोल्यूशन नीड्स अदरवाइज आर फ्यूचर जेनरेशन टू बी टैकल्ड सीरियसली, तो नीड्स टू बी टैकल्ड सीरियसली, अदरवाइज वरना अन्यथा आर फ्यूचर जेनरेशन सफर ए लॉट। QPR इसका आंसर भी होगा और यह डी में दिया हुआ है। 21-25 में क्लोज टेस्ट आपके सामने है। द थॉट्स बिहेवियर एंड टेस्ट ऑफ फैशन म्यूजिक टेलीविजन एंड अदर डैश ऑफ लाइफ ऑफ द मासेस आर ऑफ्टन सीन हैविंग अ डैश इंपैक्ट ऑन द लिविंग ऑफ द सोसाइटी। फैशन म्यूजिक टेलीविजन और अदर डैश के बारे में लोगों की सोच, मासेस की सोच, उनका व्यवहार और उनके पसंद, उनकी रुचियां, तो एंड अदर डैश ऑफ लाइफ। आप ध्यान दें, एंड के पहले टेलीविजन सिंगुलर है, म्यूजिक सिंगुलर है, फैशन सिंगुलर है, ये तीन नाउन सिंगुलर है। वॉक्स ऑफ लाइफ अगर हम लिखते हैं तो वॉक्स ऑफ लाइफ का अर्थ होता है स्पेयर्स ऑफ लाइफ, यह नहीं होगा। केक्स ऑफ लाइफ नहीं होगा। नोशन और आइडियाज ऑफ लाइफ, लोगों के मासेस की बात हो रही है, मासेस का जो जीवन होता है, यानी अधिकाधिक लोगों का, जन समूह का जो जीवन है उसका। फैशन के, म्यूजिक के, टेलीविजन के, और अब ये हमारे अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, फैशन हो गया, म्यूजिक हो गया, टेलीविजन हो गया, जीवन के। तो नोशन और आइडियाज, नोशन मीन्स होता है सिद्धांत, आइडियाज मीन्स होता है विचार, दोनों लगभग एक ही है, लेकिन यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अदर। अदर है ना, वो एक ग्रामेटिकल चीज यहाँ दिख रहा है, आइडियाज होगा। अगर यहाँ अदर नहीं होता तो हमें सिंगुलर नाउन देना होता। नाउन के अंतर्गत नाउन एंड नंबर चैप्टर में एक ट्रिक पढ़ाता हूँ, अनदर प्लस सिंगुलर नाउन और अदर प्लस प्लूरल नाउन। तो यहाँ जीवन के आइडियाज की बात हो रही है, इसलिए आंसर डी होगा 21 का। 22 देखा जाता है कि यह इन सभी चीजों का समाज के लिविंग के ऊपर डैश इंपैक्ट होता है, बताना है कितना इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट इफेक्ट प्रभाव, यह नाउन है, बताना है कि इंपैक्ट किस लेवल का होता है। मियर मात्र, मियर का सिनोनिम ओनली होता है। फॉलो स्लो और डीप, इन सभी चीजों का डीप इंपैक्ट होता है, बहुत गहरा प्रभाव होता है,
लिविंग के ऊपर। वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल्स ऑफ आवर पीयर ग्रुप। हम जिस समुदाय जिस समाज में रहते हैं उसमें हमारे उम्र के जो लोग होते हैं, हमारे समुदाय के जो लोग होते हैं, उन्हें हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो जो पीयर ग्रुप की लाइफस्टाइल होती है वो हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है और ऐसा हम टेंड कर जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है। हमारी प्रवृत्ति होती है, टेंड मीन्स प्रवृत्ति होना, इसका नाउन होता है टेंडेंसी। तो यह हमारी हम मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि हम अपने समाज में रह रहे लोगों के जीवन स्तर से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। द चेंजिंग वेज ऑफ आर पीयर्स ऑफन डैश अस टू चेंज आर वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ। जीवन को देखने का हमारा नजरिया भी डैश होने लगता है हमारे पीयर्स के जीवन के बदलते हुए नजरिए से। डैश ऑफ टू, तो उनका अगर परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने अगर जीवन को देखने का अपना वे बदल दिया है तो हम भी डैश होते हैं अपने वेज को बदल देने के लिए, रिड्यूस हो जाते हैं, कन्वर्स हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं, यानी हम बाध्य हो जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं। फोर्स का सिनोनिम कॉम्पेल होता है, फोर्स कॉम्पेल और कोवर्स, विवश होना। आगे इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू डू व्हाट द क्राउड डज। यह मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जो भीड़ करती है वह हम करने लगते हैं। फ्यू हैव द करेज टू रेसिस्ट द पीयर प्रेशर। ना के बराबर लोगों के पास हिम्मत होती है कि वो जो पीयर प्रेशर है, जो सामाजिक दबाव है, हम उम्र के लोगों का जो दबाव है, समुदाय के लोगों का जो दबाव है, फ्रेंड्स का जो दबाव है, उसे वे रेसिस्ट करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या फ्यू बताई जा रही है, इट मीन्स ऑलमोस्ट नॉट। एंड बी देयर ओन सेल्फ्स रादर देन बीइंग वन अमंग द लॉट। यानी भीड़ का हिस्सा न बन करके खुद का अपना एक अलग होना, यह प्रतिरोधक क्षमता सबके अंदर नहीं होती है, ना के बराबर लोगों में होती है। पीयर प्रेशर इज बाउंड टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड डैश। पीयर प्रेशर हम में से अधिकाधिक लोगों को प्रभावित कर देता है, पॉजिटिवली प्रभावित करता है एंड डैश, तो फिर डबल पॉजिटिवली तो होगा नहीं। और जब बात प्रभावित करने की है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना है, अफेक्ट को एडवर्ब चाहिए, तो हम न्यूट्रल देंगे नहीं, डिफरेंट देंगे नहीं। ऐसे आप जान लें, न्यूट्रल का सिनोनिम होता है डिफरेंट, उदासीन इसका अर्थ होता है। तो नेगेटिवली, पॉजिटिवली भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है और नेगेटिवली भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है, दोनों तरह से हम इससे प्रभावित होते हैं। The distinction between positive and negative peer pressure lies in a thoughtful analysis of the views of the masses. यह जो भेद है, यह जो difference है, जो distinction है, सकारात्मक और नकारात्मक peer pressure का, यह निहित होता है, lies in निहित होना, निहित होता है ए थॉटफुल एनालिसिस ऑफ द व्यूज ऑफ द मासेस। मासेस के जो भी व्यूज होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, यदि हम उनका थॉटफुल एनालिसिस करते हैं तो इसमें वो चीज निर्भर होती है, लाई इन होती है। थॉटफुल मीन्स होता है ज्यूडिशियस, कॉन्टेम्पलेटिव, ज्यूडिशियस और कॉन्टेम्पलेटिव thoughtful का सिनोनिम होता है। Following your peers, dash leaves a negative impact on your
अरे ये क्या, एक क्वेश्चन तो ले गई नहीं है इसमें। फॉलोइंग योर पीयर्स डैश लीव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर लाइफ व्हाइल एन एनालिटिकल अप्रोच ऑफ लुकिंग एट पीयर बिहेवियर कैन एक्ट पॉजिटिवली। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पीयर प्रेशर। अगर आप अपने दोस्तों को डैश फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली एफेक्टिवली रेयरली और श्योरली, तो यह नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। इनमें से नेगेटिव इंपैक्ट कौन करेगा? यदि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो करना मतलब थॉटफुली कोई डिसीजन ना लेना, सामने वाला मेरे घर के बगल वाला या मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, ये ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। और यदि ऐसा आप करते हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपके जीवन के ऊपर। अभी आगे पढ़ना कहानी है। 25 का आंसर ये होगा और हम लोग कंप्लीट कर लिए आज का क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कॉमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।